अब हमारे बीच की दूरी खत्म होने वाली है, आप जल्द नाग बनने वाले हैं। खत्म कर दो इसे। माया, थोड़ी ही देर में माया यहाँ आती ही होगी, फिर वो इस बात का फैसला कर देगी। माधव मुझे माफ कर दो। माधव मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे ही तो सीखा है कि प्यार पे कुछ गलत नहीं होता। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। एक सुहागन का सिंदूर किसी नागिन के माया जाल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है, और मैं मेरे प्यार को कुछ नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। माधव अपनी आंखें खोलो ना, मैं हूं माधव, आपकी बनू। हम हमेशा साथ रहने के लिए बने हैं, साथ पले बड़े हैं। साथ खेले हैं हमने तो हर मुश्किल का सामना साथ में रहकर किया है ना, और आज आप इतनी बड़ी मुश्किल में मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। माधव 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 आके खोलो, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता। माधव माधव आके खोलो, माधव उठो ना, माधव अपनी मनु के लिए आके खोलिए ना, माधव माधव आके खोलो ना। मनु, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष कर रही। मैं आपको बचाने के लिए यहाँ आई हूँ माधव। हाँ, माया ने आपको अपने वश में कर लिया था,
इसलिए आपको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आई हूँ। मनस्विनी! माधव, हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। युवराज माधव और नागमणि पर सिर्फ माया का हक है और मैं इतनी आसानी से किसी को अपनी चीज लेने नहीं देती। खुद को बहुत चालाक समझती हूँ ना मनस्विनी, लेकिन तुम भूल गई हो कि तुम्हारा सामना माया से है। माया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आंखें बंद मत कीजिए। माधव उठो, मैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मनस्विनी। आज अगर तुम नहीं होती तो युवराज की ये हालत होती ही नहीं। माधव, आप अपनी आंखें खोल के रखिए, मैं बस दो मिनट में आ रही हूँ। आप अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे। मैं बस अभी आती हूँ। युवराज, युवराज, मनु, आप मुझसे नाराज हो ना युवराज, पर आप तो जानते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब उस मनस्विनी ने किया है। अगर वो नहीं होती तो अब तक तो हम दोनों एक हो जाते। अनु,
आप जानते हैं ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं ना आपको नागलोक लेकर जाऊंगी। हाँ, वहां मैं आपका जहर उतार दूंगी। वहां सिर्फ मैं और आप होंगी, युवराज माया। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। चलिए युवराज, चलिए हमारे साथ चलिए। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। दूर कर लूंगी, उस मनस्विनी को आपसे दूर कर लूंगी मैं। दूर रहो मुझसे। एक बार मेरे साथ आ जाएंगे आप, मनस्विनी को भूल जाएंगे युवराज। सिर्फ उन्हों से प्यार करो। नहीं युवराज, हम सच में बहुत खुश रहेंगे एक साथ। चलिए युवराज, आइए मेरे साथ। युवराज, मैं आपको बहुत खुशी दूंगी। खुशी वहां होती है जहां जहां प्यार हो, और हम सिर्फ मनु से प्यार करते हैं। मनु 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 नहीं युवराज, माया। मनु माया नहीं युवराज। मनो, छोड़ दो मेरे माधव को। तुम जिंदा हो, मुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। हर बार तुमसे लड़ने से अच्छा है कि मैं तुमसे एक बार में ही ये लड़ाई खत्म कर दूं। मुझे मारना इतना आसान नहीं है माया, क्योंकि मेरे पास मेरे पति का प्यार है। माता रानी के त्रिशूल में माया के नकली रूप नहीं आ रहे, ये माता रानी का इशारा है। जो असली माया होगी बस वही इस त्रिशूल में नजर आएगी।
माधव, माधव आंखें खोलिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माधव, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अगर हम मर भी जाएं तो हमें कोई गम नहीं। जाने से पहले हमें हमारा चांद जो दिख गया, अब हम खुशी से मर सकते हैं। नहीं माधव, मैं हमारी कहानी अधूरी नहीं रहने दूं। मैं हमारी कहानी पूरी करके रहूंगी माधव। मनस्विनी, ये कहानी थी मनु तेरे पिछले जन्म की। शायद इसलिए गरुड़देव तुझे सीतापुर लेकर आए थे मनु, ताकि तू अपने अधूरे मकसद को पूरा कर सके। और तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, उसने तो बस नया रूप ले लिया है। बस अब तुझे युवराज माधव को ढूंढना है, और मैं अब अपना सारा जीवन गरुड़देव के चरणों में अर्पित कर दूंगी। नहीं नहीं, वाई डोंट यू कम विद अस? आप हमारे साथ शहर क्यों नहीं चलती? और वैसे भी आप यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? गरुड़देव की कृपा से अब तक जिंदा थी, ताकि तुझे ये सब बता सकूं। अब तो मेरा ये कर्तव्य भी पूरा हो गया, पर तुझे जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आऊंगी मनु। हे प्रभु, मैं जानती हूं तेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, पर फिर भी तुझसे यही प्रार्थना करती कि अब मनु और माधव की इस अधूरी कहानी को इस जन्म में पूरा कर देना। वो जन्म जन्म के साथी है,
ये कहानी अब अधूरी नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए।